Good evening to all of you. How are you all? I hope you all are very, very fine and enjoying your life. Yes. So guys, as you know, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिन सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही, रहाऊंगा, रही होंगी, रहे होंगे आता है, उन्हें हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं. उसका रूल था सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट. तो अगर आपको ये कहना है वो पढ़ रहा होगा तो हम कहेंगे ही विल बी स्टडिंग, मैं यात्रा कर रहा होऊंगा, आई विल बी ट्रेवलिंग, हम शोर मचा रहे होंगे, वी विल बी मेकिंग नॉइज, तुम मकड़ी का जाल हटा रही होंगी, यू विल बी रिमूविंग वेब ऑफ स्पाइडर, राइट. तो आज हम ये करेंगे कि अगर वही स्टेटमेंट हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में होते हैं तो हम क्या करेंगे, राइट. नेगेटिव फॉर्म में होने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि वो नहीं पढ़ रहा होगा, मैं यात्रा नहीं कर रहा होऊंगा, हम शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो मकड़ी का जाल नहीं बना रही होंगी, तो उस केस में हम किस तरीके से उसकी ट्रांसलेशन करेंगे. तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता बेटा, बस नॉट का यूज़ होता है और कहाँ होता है वो विल के बाद आ जाता है, दैट्स इट. आपको ज़्यादा सोचने वगैरह में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है जैसे कि मैंने आपको पहले भी नेगेटिव सेंटेंसेस की वीडियो में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, दैट्स इट, नेगेटिव सेंटेंसेस में, राइट. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कैसे से ट्रांसलेट कर रहे हैं. वो नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी स्टडिंग, मैं यात्रा नहीं कर रहा होऊंगा, आई विल नॉट बी ट्रेवलिंग, हम नहीं शोर मचा रहे होंगे, वी विल नॉट बी मेकिंग नॉइज, तुम मकड़ी का जाला नहीं बना रही होंगी, यू विल नॉट बी मेकिंग वेब ऑफ स्पाइडर, राइट. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स जिनमें एंड में रहा होगा, रही होंगी आता है, हम उन्हें किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं. मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर होगी और उसमें आई विल टेल यू कि अगर जिन सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है, ता था, ती थी, ता होगा, ती होगी, ये होता है, वो अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, उनमें नहीं आता, तो हम उन्हें किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, राइट. आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है ये आपके किसी यूज़ में आई है, तो आप लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करो और बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसीलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना. एंड आई एम श्योर आपको अगर इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, चाहे आप हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं, बेशक आप प्रोफेशनल्स हैं, आप अपनी प्रोफेशन में परफेक्ट हैं, बट आपकी इंग्लिश स्पीकिंग वीक होने के कारण आप जो अपने करियर की ग्रोथ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, राइट. तो किसी भी तरीके से ये वीडियोस आपकी आपको हेल्प करती हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि जो मेरी मेहनत है वो सफल हो गई. तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर, टाटा बाय बाय.